हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। काफ़ी ठंड है, घर से निकला हुआ हूँ, दुकान पे जा रहा हूँ। दुकान में सगड़ जला रखी है, सगड़ में बैठूँगा आराम से वहाँ पर। उसके बाद देखता हूँ कौन कौन है वहाँ, क्या क्या चल रहा है। ये हमारे जीवनदा हल्द्वानी से पहुँच चुके हैं। जीवनदा हल्द्वानी और यहाँ के मौसम में कितना फ़र्क है? धरती आसमान का फर्क है। यहाँ तो अलाव जला रखा है, ठंडे से हालत खराब, आग से हटने का मन ही नहीं कर रहा। क्या कंगड़ी उसका अंदर चलता है कश्मीर में? हाँ, कश्मीर में कंगड़ी का वो करते हैं। वो कर लो, तुम काम भी करते रहो। जिंदा बैठो, जहाँ जहाँ आप देखेंगे वहाँ वहाँ ऐसे ही सगड़ जला हुआ मिलेगा, उस दुकान में, इस दुकान में, हर जगह। ये है ठंड, हाँ देखो हर दुकान में मिलेगा, क्योंकि भैया ठंड काफ़ी है। तो वो सामने हमारे उधर रामुदा ने भी सगड़ जला रखा है। ये लाली को तो ठंडा ही नहीं लगता है। ये गौ माता रोज अपना एक टाइम से अपना आ जाती है। गर्म पानी की सबसे लंबी गाय है ये भी, तो देखो गर्म पानी की लंबी गाय है या वो है उससे लंबी है, यही तो यहाँ नहीं, गाय कहने में यही है। एक वो पड़ा है, एक टुकड़ा और पड़ा है, खा ले उसको भी खा ले। ये लो, ठंड के दिन है, हर दुकान में अलाव जला हुआ है। ये पहले स्कूटी किनारे कर लेना, ठीक है, फिर उसके कार निकालना। दोस्तों इतनी ज़बरदस्त ठंड है, मत कहो। दो दो स्वेटर, जैकेट, मतलब ये है कि गजब वाला ठंडा। आग जला रखी है, आग तो आजकल हर रेस्टोरेंट के बाहर से जलाए रहते हैं। वो देखो उधर सामने भी जला रखी है, वो देखो उधर भी जला रखी है, ठीक सामने। इधर हमने तो जलाई है ही है, या आशीष हमारे दूध लेने के लिए जा रहे हैं। ये उधर ये बजदा है हमारे, ये आग सेकने के लिए पहुंचे हुए हैं। ठंडा हो रहा क्या? ठंडा हो रहा? अच्छा, ज़बरदस्त ठंड जिसे कहते हैं। तो आग तो वहाँ भी जला रखी है, बगल में भी जला रखी है। तुम बड़े दूर पहुँच गए आज, क्या बात? ये आग अलग बात है। अच्छा, ये वाली आग हुई, ये आग कब बुझेगी? हैं, वो तो आग लगाने वाली आग हुई, आग हुई। ये भी है, पे बिरला खींच यो हो, धू निकलने से ने? ये हमारे रोहित भैया छोले बना रहे हैं। हाँ, एक जगह दाल, एक जगह छोले, एक जगह राजमा। अच्छा चलो ठीक है, क्या बात है, दोनों जगह हाथ चल रहे हैं। ये देख लो, एक में राजमा बन रही है, एक में छोले बन रहे हैं, ग्रेवी डाल दी है। ये देखो, हाँ रोहित भैया जरा एक यार एक स्माइल इधर भी दे दो यार, ये गुड मॉर्निंग। लेट हो गई तब हाथ से चल रहे। हाँ लेट हो गई, नहीं ठंड में जरा नींद जरा दे, क्या कहते हो खतरा भी दे जरा, ज़्यादा मजून है। ये मिक्स दाल है, गहत है, राजमा है, लोबिया, बारह पंद्रह की। अच्छा, बारह प्रकार की दाल है, चना है, लोबिया है, राजमा है, और लहस है, गहत है, बहुत सी चीज़ें, चार दाल और होती है, वो नाम नहीं पता मेरे को। चलो ठीक है। ये हेलो, जरा इधर को भी देख लो, ये उमेश जी मूंग दाल की पकौड़ी बना रहे हैं, ये जो राम लड्डू के नाम से मशहूर है। चलो यार, ठंड हो रही है, आग सेकी जाए, ठीक है। इसको सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, हाँ इसको गर्मियों में भी नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए। चाय तो मत कहो, कितनी चाय पीते हो नारायण सिंह दिन भर में? हो जाती है 30-40, 20-25 तो हो ही जाती हैं। तो ठीक है, ठंड का मजा लो।
अरे तुम पर लगाम ना लगाए ना, तुम तो 30-40 का आंकड़ा पारी कर दो। क्यों ये हमारे रेस्टोरेंट के मसालची हैं, बिना इनके कोई भी काम नहीं होता है। तो दोस्तों ये ठंडा हो ही रहा है, फिर आग सेक रहे हैं। ठीक है, मैं तो कहता हूँ जहाँ धूप अभी अगर नहीं निकली है तो वो गद्दे के अंदर रहें। ठीक है, नहाने का परहेज करें, धूप आने के बाद उठें और ज़्यादा रिस्क ना लें, ये कहेंगे। बाकी यार तुम सब्सक्राइब तो कर दिया यार, बाय गॉड सब्सक्राइब नहीं करो सर, या तो सब्सक्राइब कराना बाद जो बगल में घंटी थी ना उगे उगे बजे दिया यार, रोज रत्ती ब्याह घंटी बजू था। उन्होंने एक घंटी यही सही, उन्होंने चार जो नाम है एक घंटे बज गए। ठीक छे, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब है। ठीक छे, मैं मिल लूँ अगले वाली वीडियो में। ठीक छे, ओके बाय बाय।